जी हाँ किसान भाइयों, जैसा कि आप सबको पता है कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 10वीं किस्त का हमारे किसान भाइयों को बेसब्री से इंतजार है कि सरकार उनके खाते में कब 10वीं किस्त है वो जारी करेगी। तो हमारे किसान भाइयों को बता दें कि इससे पहले मैंने 10वीं किस्त की जो फाइनल तारीख है उसको लेकर के एक वीडियो है वो डाला था। अगर आप चैनल के रेगुलर व्यूवर्स होंगे तो हमारे किसान भाइयों को पता होगा कि जो फाइनल तारीख क्या है 10वीं किस्त है उनका। और जो हमारे नए किसान भैया जो चैनल पर नए हैं तो उन किसान भाइयों को बता दूं कि 15 दिसंबर को सरकार है वो 10वीं किस्त के रूप में किसानों के खातों में पैसा है वो जारी करने वाली है। यानी कि जो हमारे नए किसान भाई है उनका जो है 6ठी 7वीं 8वीं कोई भी किस्त हो सकती है, यानी कि आने वाली अगली किस्त हो सकती है। तो हमारे हम पुराने किसान भाइयों के हिसाब से चले तो 10वीं किस्त, तो 10वीं किस्त है वो किसानों के खातों में 15 दिसंबर को डीबीटी के माध्यम से किसानों के खातों में सरकार के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। लेकिन 10वीं किस्त आने से पहले आपको अपने फॉर्मर प्रोफाइल पर कुछ सुधार करना होगा किसान भाइयों, ताकि सरकार के द्वारा जब पैसा है वो जारी किया जाए 10वीं किस्त के रूप में तो सीधे आपके खाते में आए, यानी कि बिना कोई रुकावट के बिना कोई देरी के है वो सीधे आपके खाते में आ जाए जिस दिन सरकार के द्वारा जारी किया जाए। आपने देखा होगा कि सरकार के द्वारा जब 9वीं किस्त जारी की गई थी डीबीटी के जरिए तो हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई थे जिनका जो पैसा है वो समय पर नहीं आ पाया था, और बहुत से तो ऐसे किसान भाई है जिनका 9वीं किस्त है वो अभी तक उनके खाते में नहीं आ पाया है और वह इस बात का पता लगा रहे हैं कि किस कारण से उनके खाते में 9वीं किस्त है वो नहीं आ पाई है। तो चलिए उन किसान भाइयों को भी हम बता दें कि उनके परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनकी जो 9वीं किस्त है वो आने वाली अगली किस्त यानी 10वीं किस्त के साथ, यानी कि दोनों किस्त है उनके खातों में एक साथ आ जाएगी, तो इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन इसमें कुछ सुधार है वो करना पड़ेगा किसान भाइयों, ताकि आपको इन किसान भाइयों की तरह जो अभी इंतजार कर रहे हैं अपनी 9वीं किस्त का, उस प्रकार से आपको इंतजार है वो ना करना पड़े। जब सरकार के द्वारा पैसा जारी किया जाए तो वो आपके खाते में तुरंत आ जाए, यानी उसी दिन आ जाए। तो इसके लिए आपको अपने फॉर्मर प्रोफाइल में कुछ सुधार है वो करना है। तो 10वीं किस्त से आने से पहले आपको ये काम है वो करना पड़ेगा किसान भाइयों, ताकि आपका 10वीं किस्त समय पर आ जाए। तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपको क्या कार्य करना पड़ेगा ताकि आपके खाते में जल्द पैसा आ जाए जब सरकार के द्वारा जारी किया जाए। तो उससे पहले आपसे छोटा सा अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेतीबाड़ी से संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम आपको बताते हैं कि आपको अपने फॉर्मल प्रोफाइल है उसमें क्या सुधार करना है। ये सुधार की प्रक्रिया जानने से पहले यह जान लेते हैं कि क्या गड़बड़ी होती है जिसके कारण से किसानों का पैसा है वो रुक जाता है। तो दरअसल प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा केंद्र सरकार को भेजे गए कुछ सत्यापित आवेदनों में PFMS ने रुपए खाते में भेजने से पहले कुछ गलतियां हैं वो पाई है। जी हां किसान भाइयों, जो PFMS है उसके द्वारा आपका प्रोफाइल है उनका सत्यापन है वो किया जाता है। अब वो सत्यापित होने के बाद ही आपके खाते में पैसा है वो जारी किया जाता है। तो जिस कारण से रुपयों को किसानों के खाते में भेजने को लेकर है वो समस्या सामने आई है, इसी वजह से केंद्र सरकार द्वारा इन फॉर्म को फिर से सुधार के लिए वापस भेज दिया गया है। जी हाँ किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई 9वीं किस्त को लेकर इंतजार कर रहे थे और तो परेशान थे कि अब तक हमारे खाते में पैसा क्यों नहीं आ पाया है, तो ये उसी कारण से है किसान भाइयों। तो आपको बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाखों किसानों के फॉर्म में गड़बड़ी है वो पाई गई है, और इसी कारण से उनकी 9वीं किस्त है वो अभी तक अटकी हुई है। तो ये कौन कौन सी गलतियां हैं जो किसान करते हैं जिस कारण से उनका पैसा है वो अटक जाता है? तो पहला गलती है कि किसानों का नाम इंग्लिश में होना जरूरी है। जहाँ किसान भाइयों, आपका नाम है वो इंग्लिश में होना जरूरी है, वो भी कैपिटल लेटर में। तो जिन किसानों का नाम आवेदन में हिंदी में है उन्हें सही कराना होगा, यानी कि अपना फॉर्मर प्रोफाइल है वो अपडेट कराना होगा। दूसरा गलती है कि आवेदन में आवेदक का नाम और बैंक अकाउंट में आवेदक का नाम अलग अलग होना। तो आपका जो बैंक अकाउंट में जो नाम है और आवेदन में जो आपका नाम है दोनों सेम होना चाहिए जैसा आपका नाम है। इसके लिए किसानों को अपने बैंक शाखा जाकर बैंक में अपना नाम आधार और आवेदन में दिए गए नाम के अनुरूप है वो कराना हो। तीसरा गलती हमारे किसान भाई करते हैं कि बैंक का IFSC कोड लिखने में गलती करते हैं। तो IFSC कोड ही है वो आपके बैंक का पहचान करता है। जब आप IFSC कोड ही गलत लिखोगे जो आपका प्रोफाइल है वो वेरीफाई होने में समय लगता है, इस कारण से समय पर आपका पैसा है वो नहीं आ पाता है। और चौथा गलती है जो हमारे किसान भाई करते हैं कि बैंक अकाउंट नंबर एंटर करते समय कई गलतियां हैं वो मिलती है। बहुत से मैंने देखा है कि जिन किसान भाइयों का पैसा है वो लटका हुआ है या रिजेक्ट हुआ है फॉर्म, वो बैंक
अकाउंट नंबर में गलती के कारण हुआ है। तो आपको बैंक अकाउंट नंबर है वो सही भरना है, साथ ही साथ आपको IFSC कोड भी सही भरना है, क्योंकि IFSC कोड के जरिए ही आपका जो अकाउंट नंबर है वो वेरीफाई होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवी गलती जो हमारे किसान भाई है वो करते हैं कि एड्रेस का गलत होना। तो आजकल एड्रेस है वो भी डालना जरूरी हो गया है। पहले नहीं होता था कि आप एड्रेस जरूरी नहीं था पहले फॉर्म भरते समय, लेकिन अभी जो है बिल्कुल अनिवार्य हो गया है कि आपका एड्रेस है वो भी सही होना चाहिए। आपका सारी जानकारी जब सही रहेगा तो उसको वेरीफाई करने में कम समय लगेगा और जल्द ही वेरीफाई होगा, तो आपके खाते में पैसे आने में भी कोई गड़बड़ी नहीं होगी, वो जल्द आपके खाते में आ जाएगी। इसके तहत यह भी जानकारी दी गई है कि फॉर्म में सुधार करते वक्त आधार के अनुसार ही पता, नाम और अन्य जरूरी जानकारी है वो भी होनी चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म है वो फिर से रिजेक्ट हो सकता है और आपको दोबारा इस काम को करना पड़ सकता है। तो हमारे किसान भाइयों से अपील है कि 10वीं किस्त आने से पहले आपको ये सब कार्य है वो कर लेना है, ताकि आपको 10वीं किस्त को लेकर के इंतजार है वो ना करना पड़े, जैसे हमारे बहुत से किसान भाई अभी 9वीं किस्त को लेकर के इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है कि आपके खाते में पैसा नहीं आएगा, पैसा तो आएगा, लेकिन आपको इंतजार है वो करना पड़ेगा। जैसे इन लोगों को अभी 9वीं किस्त है वो 10वीं किस्त के साथ मिलेगा, तो तब मिलेगा जब इन सब चीजों में सुधार किया जाएगा, नहीं तो ये भी नहीं मिल पाएगा। तो आपको सुधार कर लेना है 10वीं किस्त आने से पहले, ताकि आपको पैसे को लेकर के भटकना है वो ना पड़े। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतने। किसान भाइयों अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक ये खबर है वो शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस समस्या का सामना अगर कर रहे हैं तो उनको भी ये जानकारी हो जाए और इनमें सुधार करे। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि हम ऐसी सरकारी योजना और खेती बाड़ी संबंधित वीडियो आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।